इससे क्या होता है? इससे वेट लॉस। अच्छा, ये वेट लॉस के लिए है। और यहाँ पे आप मतलब सीखने आते हैं तो यहाँ पे ये क्लास लेने आते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं, एक बार सामने देख लेते तो और अच्छा रहता, आपका फेस आ जाएगा। वैसे तो काफी मेहनत का काम है, हम लोग से तो होने वाला नहीं है। वैसे धीरे अरे बस आपको नहाने में पड़ेगी, बस चल जाइए। अरे उसको ऐसे करते हैं ना ऐसे। हाँ जी। हाँ तो ये है बटरफ्लाई एक्सरसाइज। फैट लॉस के लिए आप आइए, आप आइए, आप आइए बस। देखिए यहाँ पे फैट लॉस कितनी, कितना वर्कआउट हो रहा है, कितनी मेहनत हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल रेशम ब्लॉग्स। और आज हम आ गए हैं स्मार्ट फिट जिम, जो कि लहताला मड़वाड़ी रोड पे है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है। इसकी स्टार्टिंग 2019 में हुई है, 2019। तो चलिए चलते हैं अंदर और पहले यहाँ के मैनेजर से बात करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो हम लोग अभी मैनेजर से बात करेंगे यहाँ की, उससे पहले हम चलते हैं यहाँ पे बाहर। एंटर कहाँ से करते हैं वो आपको दिखाते हैं। जानते हैं जिम के बारे में कुछ खास बातें और यहाँ का क्या पैकेज है, तो ये सब हम देखते हैं। उसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं जिम में क्या क्या यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हैं और क्या क्या सुविधाएं हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। और हाँ, ये जिम लहतारा मड़वाड़ी रोड पे है। और एक और ख़ास बात, ये जंपिंग फ्रॉक ट्रैम्पोलाइन पार्क के जस्ट सामने है, मतलब अपोजिट साइड। तो चलते हैं। हेलो सर। हेलो। तो सर आप अपना गुड नेम बताइए। वीरेंद्र पटेल। ये है यहाँ के मैनेजर श्री वीरेंद्र पटेल। तो चलिए इनसे बात करते हैं यहाँ के जिम के बारे में और यहाँ का पैकेज जानते हैं। तो आप बैठ जाइए पहले सर, और हम लोग को यहाँ का सही तो आप यहाँ के पैकेज के बारे में पहले बताइए। पैकेज तो यहाँ का देखिए, साल भर का 2500 है, और 6 महीने का 1500 है, और 3 महीने का 900। पर मंथ आएंगे तो फिर आपको पड़ेगा 400 का, मतलब पर मंथ 400 रुपीज है। और यहाँ पे क्या क्या आपके जिम में अवेलेबल है ये बता दीजिए थोड़ा। प्रॉपर सब कुछ है, बैक मशीन है, ट्राइसेप के लिए है, लेग्स के लिए है, बाइसेप के लिए है, साइकिलिंग है, मतलब सारी चीजें अवेलेबल है यहाँ पे, सब कुछ अवेलेबल है। और ये जिम अभी 2019 में ओपन हुआ है, जब लॉकडाउन लग गया था, तो अभी ये स्टार्ट धीरे धीरे हो रहे हैं। तो चलिए पहले जानते हैं सर इससे पहले कहाँ थे, सर आप क्या थे इससे पहले, कहाँ थे, कुछ अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। स्टेडियम में प्रैक्टिस करता था। अच्छा। उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने नेशनल तक का सफ़र किया। अच्छा। और गेम के थ्रू मैं बीपीएड और एमपीएड किया। बीपीएड मेरा है विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से। अच्छा। एमपीएड है मेरा साउथ यूनिवर्सिटी कानपुर से। ओके, तो सर ने नेशनल तक का सफ़र तय किया है, तो सोचिए सर यहाँ पे हैं, आप लोगों को तो जरूर आना चाहिए। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं सर के बारे में, तो हम लोग थोड़ा सा जान ही लिए हैं। तो थैंक यू सो मच सर, अब हम लोग आपके जिम को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, ये लड़कों का प्रोग्रेस है सर बता रहे हैं जैसा। यहाँ पे जो आप वॉल पे देखे हैं उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएंगे। लड़के मेडल खिलाते हैं सर ना, सब पेपर आता है, फोटो पेपर आता है। अच्छा, तो ये यहीं का है या फिर? हाँ नहीं, लड़के यहाँ के भी हैं। अच्छा, अपने जिले के भी लड़के हैं सर। ये अपने जिले के भी लड़के हैं और यहाँ के हैं, जिसका भी मैंने आपको फ्रंट पे दिखाया हुआ है। यहाँ से देखते हैं सर से जानते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट का क्या यूज़ है, इसे बताइए इसका क्या यूज़ है, इसे क्या कहते हैं? क्रॉस, इसका फुल क्रॉस केबल है। अच्छा, इसके आप 4 एक्सरसाइज कर सकते हैं।
जैसे बाइसेप है, ट्राइसेप है, बैक है, शोल्डर है, चेस्ट है, आप इससे कर सकते हो। अच्छा, तो एक बार दिखा दीजिए, क्या नाम बताया सर ने इसका? क्रॉस केबल। क्रॉस केबल, तो आप लोग क्रॉस केबल को देखिए, इसका आप चार छः वर्कआउट आप आज के वर्कआउट इससे आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं यहाँ पे और इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ये बैक मशीन, बैक मशीन एक बार देख लीजिए, ये है बैक मशीन। आगे लेग्स के लिए, ये लेग्स के लिए, इसका नाम अच्छा, ये लेग्स के लिए है। देख लीजिए एक बार आप लोग, यहाँ पे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ। अब आगे आइए, साइकिल के बारे में बताइए। ये साइकिल अच्छा, तो ये साइकिल कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ तो सर, अब ये दिखाएंगे कि ये किस इसका क्या यूज है। तो देखिए, तो यहाँ पे सर डेमो दिखा रहे, अच्छा यूज है ये चेस्ट के लिए है। तो आगे आइए, आगे देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। ये डिक्लाइन है, तो इसका क्या यूज होगा सर? वैसे ही सेम है वर्कआउट पे। अच्छा, ये सेम आप लोगों ने चेस्ट के लिए जो देखा वैसा ही ये है, ये सारा तीनों चेस्ट के लिए। अच्छा, ये तीनों आप जो देख रहे हैं तीनों चेस्ट के लिए है। और यहाँ पे सब डंबल, अच्छा तो यहाँ पे देखिए जगह जगह डंबल रखे हुए हैं। तो ये सर का ओलंपिक रॉड है सर ने बताया। हाँ, वो ओलंपिक का प्लेट है, देखिए ये सब सारे हमारे गुरु जी के। अच्छा, तो सर के गुरु जी हैं, उनके ये सारे मेडल हैं। हाँ, तो अब इसके बारे में जानते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि ये किस चीज के लिए है। तो सर बताइए, थाई के लिए, ये थाई के लिए है। और सर एक बार डेमो दिखाएंगे, तो एक मिनट वेट करिए। ये प्लेट है, ये यहाँ पे लगा रहे हैं डेमो देने के लिए। सर क्या ने क्या बताया आपने? ये लेग एक्सरसाइज है, देखिए एक बार डेमो इसका। आप ये वाली फिट रहेगा ये सर क्या है? क्रॉस केबल है ये। और वर्कआउट कर सकते हैं आप, 4-6 एक्सरसाइज कर सकते हैं इस पे। तो ये जो मैंने आपको अभी दिखाया क्रॉस केबल, इस पे एक डेमो दिखाया जाएगा। तो देखिए डेमो देखते हैं। विशाल भैया है, विशाल भैया यहाँ पे डेमो देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, दीजिए डेमो। यहाँ पे आगे चलते हैं और देखते हैं सर ये क्या है। ये है बटरफ्लाई। तो अब देखते हैं बटरफ्लाई क्या करता है। बटरफ्लाई वाला आप लोगों ने देख लिया, अब हम लोग लेग एक्सरसाइज देखेंगे। दीजिए आप डेमो। ये डेमो देने जा रहे हैं लेग वाला। तो ये है लेग एक्सरसाइज। तो ये तो था बैठ के, तो अब लेट के देखिए लेट के कैसे होता है। तो विशाल भैया ने दोनों साइड दिखा दिया, बैठ के भी लेट के भी एक्सरसाइज। तो ये लेग एक्सरसाइज है। तो बटरफ्लाई के बाद एक्सरसाइज हम देखे हैं, आगे देखते हैं और क्या है। ये वाला ये चिनअप के लिए, देखिए ये वाला। तो यहाँ पे भी विशाल भैया ही डेमो देने वाले हैं चिनअप का। चले हाँ हाँ स्टार्ट कीजिए। इसमें आप ट्राइसेप भी कर सकते हैं। ट्राइसेप, तो सर ने बताया इस पे ट्राइसेप भी कर सकते हैं। तो देखिए एक बार उसका
से के लिए है ये एक्सरसाइज। ये है बैक के लिए, बैक एक्सरसाइज। तो ये हाँ के लिए हो गया। अब बाइसेप वाला देखिए, बाइसेप वाला कैसे होता है। बाइसेप स्टैंड। अच्छा ये बाइसेप स्टैंड है। बाइसेप देखिए, बाइसेप का डेमो। ये स्क्वाट स्टैंड। स्क्वाट स्टैंड है। देखिए यहाँ पे एक डेमो स्क्वाट कर रहा हूँ मैं। तो ये शोल्डर के लिए है। देखिए बैक कराओ अच्छा। बैक कराओ अच्छा। ये बैक के लिए कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे डेमो दिया। रस्सा एक्सरसाइज है जो कि विशाल भैया ने बताया। तो ये कर रहे दे रहे हैं डेमो रस्सा ना, रस्सा एक्सरसाइज का। देखिए डेमो जो कि फैट कम करता है और मसल्स के लिए भी होता है। तो रस्सा एक्सरसाइज देखा। इतने इंस्ट्रूमेंट है, मैंने वो सारे इंस्ट्रूमेंट आपको दिखा दिए। डेमो भी साथ में आप लोगों ने देखा। तो अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और यहाँ पे आइए। पैकेज भी आपको पता है, सर ने पैकेज भी आपको बता दिया। के बारे में थोड़ा हम जानते हैं सर, अपने बारे में कुछ बताएंगे। सर बताइए, सर आपने ये कॉम्पिटिशन कब ज्वाइन किया था। मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया हूँ 2006 से। अच्छा 2006 से लेकर 2019 तक मैंने किया था। और डिस्ट्रिक्ट में मैं 5 से 7 बार कम से कम 5 से 7 बार हाँ कम से कम 5-7 बार मैं डिस्ट्रिक्ट का स्टॉप में बना के। अच्छा वैसे जनरली लोग का 5 से 7 बार प्लेयर का अवार्ड मिला। बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मेरा जूनियर स्टेट में भी गोल्ड है। जूनियर स्टेट में गोल्ड है, नेशनल पार्टिसिपेट है। तो आप देखिए यहाँ पे सर ट्रेन करते हैं और सर खुद ही कितने ट्रेन हैं। तो आइए यहाँ से सर के आप लोग भी संरक्षण मिले के प्रैक्टिस कीजिए। सीनियर स्टेट में भी मेडल है सर का। वैसे ओपन में हम लोग जाइए कॉलेज से भी गया था मैं तो पार्कू। हाँ कॉलेज में अपना मैं रिकॉर्ड बना के आया था 220 किलो डेट का। 220 किलो डेट 220 किलो डेट का सर का रिकॉर्ड है कॉलेज में। यूनिवर्सिटी में अभी तक कोई कार्य किया नहीं। तो उन्होंने वहाँ 200 किया था। तो उसके बाद मैं गया तो उन्हीं कैटेगरी में, उन्हीं कैटेगरी में मैं रिकॉर्ड तोड़ा। मैंने स्वाप नहीं किया, मैं स्टेट में जाके डायरेक्ट किया। इतने लोगों से प्लेयर स्वाप करते लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं। मैंने जब अपना स्टार्टिंग खाया था तो लोग को लगा कि यार कैसा प्लेयर है ये स्टार्टिंग। हाँ उसको ना लिखाया जब लिखा जाता है जब आपका नाम करा जाएगा तो बोल नहीं आपके नाम से इतना लोट लगेगा लगाया।
लगाना होता है उतना लोड होता है। हाँ जैसे मैंने लिखा दिया, हाँ मैंने लिखा दिया 180 किलो, 180 किलो के लिए लोड होगा वो लिखाना होता है। मतलब आप जितना लिखाएंगे उतना लोड आपको उठाना पड़ेगा, उतना करना पड़ेगा, उतना करना पड़ेगा। तो वही था के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। वही था काम सही चल रहा था, लोग बोल रहा गया ऐसा नहीं कोई ले रहा है। मैंने जब लोग किया, जब मैंने 200 का प्लेयर लिया किया तो लोग कर ले रहा है ये तो उससे अच्छा प्लेयर है। अच्छा पूरे नहीं चल रहा है हमसे बहुत सीजन प्लेयर थे, मैंने उनका रिकॉर्ड किया। तो मुझे तो सर कितने एक्सपीरियंस हैं ये तो आप लोगों ने जान ही लिया सर, खुद अपने ला रहे हैं ये चीज़। तो सर से जानते हैं कि जिम का टाइमिंग क्या है सर, ये जिम का टाइमिंग क्या है? 5 से 9 शाम को 5 से 9। अच्छा तो ये इवनिंग टाइम बता रहे हैं सर 5 बजे से 9 बजे तक, और सुबह में सर मॉर्निंग में 5 बजे से 9 बजे तक, शाम में 5 बजे से 9 बजे तक जिम यहाँ पे ओपन होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। सर ने जो कंपटीशन ऐड है सर का, जिसमें सर ने पार्टिसिपेट किया था, तो वो आपको हम एक बार दिखा रहे हैं। इसमें सर ने पार्टिसिपेट किया था और यहाँ पे ये लगा हुआ है पोस्टर, बहुत सुंदर था। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जिम के बारे में सभी लोगों को पता चले। और ये लहरदारा तो मड़वड़ी रूट पे है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।